अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। आज का व्लॉग बहुत इन्फॉर्मेटिव है, बहुत ज़बरदस्त। इसमें टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वॉशिंग मशीन की, क्लीनिंग की, तो आप लोग मेरे साथ रहिएगा। सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम है, यहाँ मेरी सुबह हो गई। ये मॉर्निंग का टाइम है, सुबह के 7:30 हो रहे हैं और मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ क्योंकि आज मुझे वॉशिंग मशीन लगानी है, क्लीनिंग करनी है, कुकिंग करनी है, घर के बहुत सारे काम हैं जो मैंने ही करने हैं और किसी ने नहीं करने विदाउट हेल्पर। देख सकते हैं कि कितनी कड़क सी धूप आ गई है, धूप निकल आई है और इसके साथ सुबह सुबह का मेरा आगाज़ भी हो गया है। और यहाँ पे मैंने अपने जितनी भी रूम में जितनी भी चीज़ें होती हैं बिखरी हुई उनको समेटना शुरू कर देती हूँ। यहाँ पे सारे बिस्तरे वगैरह उठाना शुरू कर देती हूँ, जायद की वजह से रात में पिस जाते हैं और फिर उसके बाद सुबह उठाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं। रात में मैं इतनी थक जाती हूँ कि मैं किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाती हूँ। मैं यही सोचती कि सुबह उठूँगी, सबसे पहले मैं ये सारा कमरा जो है ना, रूम, इसकी क्लीनिंग करूँगी। क्लीनिंग की मतलब कि चीज़ें वगैरह हम सबसे पहले जो उठा लेते हैं ना जैसे ही उठते हैं, और फिर उसके बाद जितने भी मतलब चीज़ें वगैरह समेट लेते हैं तो रूम बहुत थोड़ा क्लीन सा साफ सा लुक देता है। यहाँ पे मैं आ गई थी अपना फेस वॉश करने के लिए, यहाँ पे फेस वॉश करके फिर मैंने जाना था रूम में। रूम में बेडशीट वगैरह अपनी थोड़ी सेट करनी थी, पिलोस वगैरह, और उसके बाद मैंने किचन की तरफ जाना था। जिस दिन वॉशिंग मशीन चलानी हो ना तो उस दिन बहुत ही ज़्यादा लगता है कि ना बहुत सारे काम हैं। जी ऐसे ही होता है क्योंकि जितने सारे हमारे कपड़े धुलने वाले होते हैं, बेडशीट्स वगैरह हो गई, कपड़े हो गए, मतलब जेंट्स वगैरह के, हस्बैंड के, और मेरी बेटी आयत के, और मेरे खुद के, और फिर इतनी सारी चीज़ें निकल आती हैं कि फिर समझ नहीं आ रही होती। आज ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा अनबार है, बहुत ज़्यादा काम करना है विदाउट हेल्पर। कोई हेल्पर होती है ना तो फिर ये होता है कि जी उसने धो लेने हैं और क्या कहते हैं मैंने तो फ्री ही घूमना है, लेकिन अभी ऐसा भी नहीं है, अपने काम खुद ही करने पड़ते हैं काफ़ी सारे लोगों को। और इसमें आर भी नहीं समझनी चाहिए, और जब मतलब कोई बीमार हो, कोई प्रॉब्लम हो, या फिर आप नहीं कर सकते तो फिर आप मैं हेल्पर रख लेती हूँ। जैसा कि प्रेगनेंसी में बहुत दफ़ा हेल्पर रखी जाती है, वैसे तो मेरी मतलब इन लॉस में हेल्पर है, मेरे पास नहीं होती है, मैं विदाउट अपने मतलब अपने सारे काम मैं खुद ही करती हूँ। जितने भी खैस होते हैं, इस तरह की बेडशीट्स होती हैं, चादरें होती हैं, और मतलब जितने भी जो नहीं रूम में काम की चीज़ होती है वो मैं उसकी जगह के ऊपर रख देती हूँ। क्योंकि मैंने अपने ना यही चीज़ सीखी है कि अगर आपने सफाई करनी है तो हर चीज़ को आप समेट कर उसकी जगह के ऊपर रखते जाएँ, चाहे वो आपकी ड्रॉज हैं, चाहे वो आपका ड्रेसिंग टेबल है, चाहे वो आपका साइड टेबल है, कुछ भी है। मतलब कि आप कोई भी चीज़ किसी भी जगह से उठा रहे हैं ना, किचन है, वॉशरूम में, एनी वेयर, कोई भी जगह, उधर से आप वहाँ से चीज़ जो चीज़ आपने उठाई उसकी जगह के ऊपर आप नहीं रखेंगे तब तक आपका रूम, आपका घर बिल्कुल भी क्लीन नहीं लगेगा। तो एफर्ट करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा, और उस चीज़ को लेके चलना पड़ता है, चीज़ उठानी पड़ती है, चाहे कमर में दर्द हो, चाहे आपके सर में दर्द हो, चाहे आप जितने भी टायर्ड हो, थके हुए हो सारा दिन के काम करके, लेकिन आया सो जाती है ना, करना पड़ता है बाद ना फिर ही घर साफ करती हूँ, नहीं तो फिर आया कि ओ आ ई करके आवाज़ आपको आ रही रूम में जो भी मतलब पिलोज वगैरह होते हैं, कुशन्स वगैरह होते हैं, उनको समेट के उसकी जगह के ऊपर रखना बहुत अच्छा लगता है। रूम इस तरह बहुत ज़्यादा क्लीन लगता है। जब से मेरी शादी हुई है ना, बहुत ज़्यादा कम ऐसा होगा, तकरीबन मेरी शादी को 4th साल है, ये 4 ईयर होने वाले हैं, नवंबर की 2 तारीख को टोटल 4 ईयर्स कम्प्लीट हो जाएंगे जी, माशाल्लाह से। और ना यहाँ मैं आपको बता रही थी कि रूम मैंने कभी भी मैसी नहीं रखा, कभी भी नहीं, अपनी सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज रखी हैं अपना, मतलब जो मुझे वॉशरूम मिला, जो मुझे रूम मिला, हर चीज़ को मैंने क्लीन और नीट रखा। आप देख सकते हैं कि मेरी चीज़ें इस तरह होंगी जिस तरह यूज़ भी नहीं हुई हैं, कोई चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं हुई। हाँ, अब मेरी जो बेटी है ना बहुत ज़्यादा चीज़ों को ख़राब करती है, बहुत ज़्यादा फर्नीचर को जाती है, टिक टुक करती है, और बहुत ज़्यादा मतलब के दिल वो होता है, उदास होता है कि इतनी मतलब के चीज़ों को आयत ख़राब करती है। फिर मैं कहती कोई बात नहीं, बच्चे तो होते हैं, बच्चे ही तो तोड़ते हैं अपनी मॉम्स का फर्नीचर, अपनी चीज़ें जितनी भी होती है, बच्चे ही तो सारी चीज़ें ख़राब करते हैं, नहीं तो ये सालों की सालों चीज़ें वैसी की वैसी रहे। यहाँ मेरा नाश्ता भी हो गया था, और नाश्ता भी बन गया था क्योंकि मैंने आज वीडियो नाश्ते की नहीं बनाई थी क्योंकि मेरी क्लीनिंग की वीडियो है, और इसके बीच में अगर मैं कुकिंग ऐड करूँगी तो फिर बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, तो इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा क्लिप्स इसके बीच में ऐड कर लिए थे। अब मैं चलती हूँ अपनी
वॉशिंग मशीन की तरफ। वॉशिंग मशीन मैंने स्टार्ट कर ली थी, ये देख सकते हैं आप सारे सारे मतलब जो पहले पहले जो होते हैं ना लाइट कलर्स के कपड़े, वो मैंने इसके बीच में ऐड कर लिए थे साफ क्लीन। और है हो रहा है आसमान, और ये देख सकते हैं आप नीचे का है लुक और सीढ़ियाँ, और ये ऊपर का, ये ऊपर की तरफ सीढ़ियाँ जा रही हैं जी। आप लोगों को इंशाल्लाह मेरा होम टूर भी ज़रूर मिलेगा, और वो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, करूंगी आप लोगों के साथ शेयर। जी स्टोर रूम की तरफ चलते हैं, ये स्टोर रूम बनाया हुआ है मैंने। यहाँ पर मैं अपनी सारी जो चीज़ें वगैरह होती है वो रखती हूँ, जैसे हो गई मतलब कि जो यूज़ में नहीं है, बेग्स वगैरह हो गए, पेटियाँ हो गई, बिस्तरे हो गए, आयत की जितनी भी वॉकर वगैरह, चेयर वगैरह, जितनी भी मतलब जितने बड़े बड़े भगोने, बड़े बड़े देखचे, वो सब यहीं पे। और चूल्हा जो अभी नहीं लग सकता, आप लोग देखते होंगे कि मेरे किचन में ऐसा एक चूल्हा है जो मैं लगाती हूँ, लेकिन मैं खूबसूरती को देखूँ या फिर मैं सिलेंडर को देखूँ, तो इस वजह से फिर मैं वही चूल्हा लगाती हूँ जो मुझे सही रहता है। यहाँ पर मैं कपड़े निकाल निकाल के रखती जा रही थी, और फिर उसके बाद मैंने वॉश करने थे। मेरी बेटी आयत ने ना बहुत सारे मेरे साथ कपड़े धुलाए, उसे बहुत अच्छा लगता है जब कोई कमरा ओपन हो जाए, कोई दराज ओपन हो जाए, उसमें मतलब अलमारी ओपन हो जाए, वार्डरोब ओपन हो जाए, कोई भी पैंट्री आप ओपन कर लो, उसे मज़ा आता है सब चीज़ें खोलने करने में। फिर जैसे आयत है ही नहीं, तो वो बहुत खुश थी मेरे साथ। यहाँ पर मैं सारे कपड़े निकाल निकाल के रखती जा रही थी, और फिर उसके साथ आयत को लेके आयत खुद ही आ जाती थी वॉशरूम तक, और फिर मेरे साथ पानी में लग जाती थी, और मैं सारे कपड़े धोती जा रही थी। और मशीन में मतलब ये होता है कि साफ़ हो जाते हैं, आपको ज़्यादा ब्रश वगैरह और कोई साबुन वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं होती। ऐसे ही ये सबके साथ ही होता होगा, बहुत ज़्यादा गंदे कपड़े होते होंगे वो नहीं साफ़ होते होंगे, घर पर जो पहनने वाले होते हैं वो तो जल्दी जल्दी साफ़ और नीट और क्लीन हो जाते हैं। मैं पहले अपने कपड़े और अपने हस्बैंड के डालती हूँ, उसके बाद मैं थोड़े डार्क कलर वाले डालती हूँ, उसके बाद मैं आयत के कपड़े डालती हूँ क्योंकि उसके लिए पानी बिल्कुल चेंज करना पड़ता है, उसके बाद मैं बेडशीट्स वगैरह डाल देती हूँ, और फिर उनको निकाल लेती हूँ, फिर अच्छे तरीके से पानी के साथ निथार लेती हूँ सारे कपड़ों को ना। और जिनको ज़रूरत होती है ब्रश की और एक्स्ट्रा सर्फ और साबुन की, तो फिर वो कल्फ वगैरह पे लगा के उसको चेकआउट कर लेती हूँ कि यहाँ पे मैल को चेल तो नहीं लगी हुई, साफ़ तो नहीं है, उन चीज़ों को साफ़ कर लेती हूँ। थोड़ा सा उसके ऊपर सर्फ डाल के थोड़ी देर रख देती हूँ रैप कर कर, फिर उसके बाद उस पर ब्रश अच्छे तरीके से लगा लेती हूँ, तो वो सारे साफ़ हो जाते हैं। जहाँ तक मैं बताऊँ ना आपको, एरियल के साथ ना बहुत ज़बरदस्त क्लीनिंग होती है और बहुत अच्छी सफाई हो जाती है, उसके साथ कपड़े बिल्कुल साफ सुथरे हो जाते हैं। ये जी मेरे चली गई वॉशरूम में, ये चमकने वाला वॉशरूम आज ही यहाँ पे सफाई के लिए, कपड़े वगैरह धोने के लिए, आयत के कपड़े धोने के लिए, आयत की जितनी भी चड्डियाँ वड़ियाँ होती हैं वो सब धोने के लिए यहाँ पे मैंने इस वॉशरूम को रखा हुआ है। इसे बिल्कुल यूज़ नहीं करती बाकी किसी और काम के लिए। और यहाँ पे मेरी वॉशिंग मशीन भी धुल गई है, सारे कपड़े मैंने धो लिए। एक मैं आपको ना जनरल वॉशरूम दिखाऊंगी, अभी उसके बीच में सारा कपाड़ वगैरह पड़ा हुआ है और उसे हम यूज़ नहीं करते हैं, उसे फिर मैं यूज़ करूंगी क्योंकि जनरल वॉशरूम होने चाहिए इस तरह की वॉशिंग मशीन के लिए, साथ ही वॉशिंग मशीन लग जाएगी और फिर उसके बाद इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी मुझे ना। फिर इसलिए मैं इसे बाहर की तरफ लेकर आ गई थी क्योंकि यहाँ पर सही क्लीनिंग हो जाती है और यहाँ पर नक्काशी का निज़ाम भी बहुत अच्छा बना हुआ था, तो इसलिए मुझे फिर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी थी वाइपर वगैरह ज़्यादा लगाने से, ज़्यादा अंदर की तरफ धोने से। इसलिए मैं अंदर वाले रूम के अंदर जो वॉशरूम था उसके अंदर कपड़े वगैरह सारे वॉश कर रही थी, धो रही थी, तो ये साथ ही मतलब रूम है और बाहर बरामदा है सारा खुला सा ओपन सा, इसमें सारे कपड़े वगैरह सुखाती जाती हूँ, बहुत अच्छे तरीके से सूख जाते हैं, बड़े ज़बरदस्त यहाँ पे सफाई हो गई है मेरी, क्लीनिंग हो गई अच्छी तरीके से। मैंने सर्फ के साथ कपड़ा लगा के इसको वॉश कर लिया था क्योंकि हमारा यहाँ पानी ना गारा आता है, गारे पानी की वजह से ना मशीन बिल्कुल साफ़ नहीं होती अच्छे तरीके से। मैंने आगे पीछे से सारा कपड़ा लगा के इसको साफ़ कर लिया था, अब लेके जा रही हूँ मैं इसको वहाँ साइड में लगा दूँगी, अब ये रात सारा जो पानी है ना अच्छे तरीके से इसके बीच में से निकल जाएगा, निथर जाएगा। अब मैं इसके मतलब कि कोई रैप करूँ, कपड़ा लगाऊँ और फिर उसको साफ़ करूँ, तो मैं बहुत थक चुकी थी, मैंने इसको रख दिया। मैंने कहा ये सारा पानी वगैरह इसके ड्रायर से हर चीज़ से वॉशिंग मशीन से निकल जाएगा, और यहाँ मैं आ गई थी अपने जो जितने भी कपड़े मेरे पहले मैंने सुखा लिए थे, तारों पे डाल दिए थे, ड्राई हो गए, फिर उनको उतार लिया, फिर उसके बाद फिर दूसरी शिफ्ट मैंने कपड़ों की लगाई। अब मैं यहाँ पे सारे जो कपड़े उतार रही हूँ, यहाँ सारे कपड़े मेरे ना उतरते जा रहे हैं, वो मेरे कपड़े सूख गए क्योंकि मौसम इतना अच्छा होता है, हवा इतनी अच्छी चल रही होती है कि आराम से आपके आधा एक घंटे में कपड़े सूख जाते हैं। जब तक आपके दूसरे कपड़े मेरे दूसरे कपड़े धुलकर आते हैं तो ये वाले कपड़े जो होते हैं ना वो ड्राई हो जाते हैं अच्छे तरीके से। तो फिर मैं अंदर जाकर बैठ के ऊपर आराम से इसको फैला देती हूँ और फैन ऑन
ब्राउन कर देती हूँ, फिर वो जितने भी होते हैं और ज़्यादा अच्छे तरीके से सूख जाते हैं। ड्राई तो वैसे ही हो चुके होते हैं, और यहाँ फिर जो बाकी वाले जो कपड़े होते हैं ना, क्योंकि ज़्यादा तारें मैंने नहीं लगाई हुई, बहुत अजीब लगती है अभी मुझे यही तार बहुत ज़्यादा अजीब लगती है, तो इसी वजह से मैंने कहा कि एक ही बहुत है। तो यहाँ पे एक तार लगाई हुई है, बाकी सारी दीवारें हैं यहाँ, उसके ऊपर मैं सारे बेड शीट्स वगैरह डाल देती हूँ, क्योंकि छोटी छोटी हैं तो फिर वो इतनी ज़्यादा बुरी नहीं लगती है। अपने ही घर में साइड में इस तरह की बनी हुई है, बाहर की तरफ से नहीं है, ये देख सकते हैं आप। मैं आगे डालूँगी और उठाऊँगी, आप लोग देखना। यहाँ पे सारे जो कपड़े हैं ना वो मैंने अपनी तारों पर डाल दिए हैं, और उसके बाद बाल्टियाँ वगैरह खाली हो जाएंगी और मेरी सारी जो वॉशिंग मशीन और क्लीनिंग है ना वो हो जाएगी आज कम्प्लीट। मेरी कोशिश होती है कि मैं ना बहुत ज़्यादा ना कपड़ों को फैला के डालूं ताकि आराम से सूख जाएं, क्योंकि हम लोग बाहर बैठते हैं रात तक 12 बजे तक, और फिर उसके बाद रूम में जाते हैं तो फिर वो कपड़े बहुत बुरे लगते हैं। तो इस वजह से मेरी कोशिश थी कि ये जल्दी जल्दी एक घंटे में सूख जाएं। हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चलती है यहाँ पे, तो नॉर्मली तो सूख ही जाते हैं, अदरवाइज़ नहीं सूखते तो उन्हें फिर हम साइड में कर देते हैं और फिर दोबारा ही जिस सुबह के टाइम उसको फैला देते हैं। जैसे हम सुबह 7 बजे या 8 बजे तक उठते हैं तो फिर एक एक करके उनको कपड़ों को साइड में करते जाते हैं, और क्या कहते हैं सारे उनको अच्छे तरीके से फैला देते हैं, और फिर सुबह अगले दिन उतार लूँगी मैं इसको, जब ये सारे ड्राई हो जाएंगे, सारे सूख जाएंगे अच्छे तरीके से। हाँ जी, तो ऐसा होता है कि ना आप मुझे बहुत ज़्यादा ना प्रॉब्लम होती है कि जब मैंने वॉशिंग मशीन लगानी होती है कि आयत को कोई पकड़ ले, लेकिन इस बार आयत ने मुझे बिल्कुल तंग नहीं किया। वैसे हर उस पानी के बीच में होती है और बोलती पता नहीं क्या हो रहा है, क्यों वॉशिंग मशीन लगी हुई है, कहाँ कपड़े हो रहे हैं। अब उसको पता चल गया धोने का, वो जैसे मैंने वॉशिंग मशीन से कपड़े निकाले ना, तो जो मैंने रखी तो वो फटाफट उन कपड़ों को किसी को एक को लेकर जाके तार के ऊपर डालने की कोशिश कर रही थी कि ये अब इस तार पर आएंगे, इसे अब हम डालेंगे सुखाएंगे। मैंने कहा इनको अभी हमने वॉश करना है, अभी हमने इसके ऊपर पानी डालना है और फिर इसे वॉश करना है। ये अगले दिन की वीडियो है, ये सुबह की वीडियो है, क्लिप है इसमें, और अब ये देखेंगे अगले दिन का टाइम है और यहाँ पे कपड़े सारे वो सूख गए। अपने सारे कपड़ों को उतार लूँगी तारों से और जो वॉशिंग मशीन है उसकी जगह के ऊपर रखूँगी, और यहाँ पे वॉशिंग मशीन भी सूख गई है, मैंने कहा उसके ऊपर धूप आए इससे पहले जाके मैं वॉशिंग मशीन को उठाऊँ और दोबारा उसकी वो सामने वाला जो रूम है उसके बीच में रखूँ, और जो बाल्टी वगैरह है वो भी सारी हटाऊँ और सारे टब बाल्टी वगैरह स्टोर रूम में रखूँ, सारी क्लीनिंग का एंड करूं। जी, मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि आप लोग मेरा वीडियो ना एंड तक देखा करें, जो लोग भी होते हैं ना वो प्लीज़ एंड तक देखें और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, मुझे बताएं कि आप लोगों को मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। और क्या कहते हैं, पहले मतलब माशाल्लाह से मेरी होम शिफ्टिंग वाली वीडियो भी बहुत वायरल हुई थी, और उसके बाद मैंने प्रेगनेंसी कैसे कंसीव की वो भी हुई थी। मेरा जो फॉर्मेट है ना चैनल का वो ये है कि होम रेमेडीज़ भी मैं करती हूँ, होम क्लीनिंग की भी मैं वीडियोज़ वगैरह, मेरी ब्लॉग्स वगैरह मेरे आते हैं और प्रेगनेंसी के ऊपर भी आते हैं। तो आप लोगों को किस तरह की वीडियो में देखनी है और इन टॉपिक्स में से आपको कौन सा ज़्यादा टॉपिक्स अच्छा लग रहा है तो वो आप लोग मुझे बताएं, मैं उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉग्स बनाऊँगी, वीडियोज़ बनाऊँगी। और मुझे आप लोग मतलब के सब्सक्राइब करें देखने वाले, मैंने शुरू में बिल्कुल भी नहीं कहा कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो एंड तक देख रहे हैं मैं उन्हीं से बात करूँगी कि आप लोग सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें। आप लोग मुझे बताएं कि कैसा लग रहा है आपको, वीडियो कैसी लग रही है, और अपनी बहन को अपनी दुआ में याद रखिएगा। एंड करूँगी मैं यहाँ पे अपनी वीडियो का, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, इंशाल्लाह आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आएगा। Thank you.